हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। बेस्ट क्वेश्चन सीरीज या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 एंड 12 के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले सेशन में हम लोग सोल्यूशन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इन द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। व्हाट आर ड्रग्स जो है हम लोग देख चुके हैं, ड्रग्स को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एनल जैसे क्या होता है, एंटीपायरोटिक्स क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, कितने तरह के ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, प्लस प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स विद एग्जाम्पल्स के साथ में कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आखिर अल्टीमेटली क्या होते हैं, ये हमें जो है वो डिफाइन करके यहाँ पर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि डिफाइन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डायरेक्टली मिल जाएगा। प्लस द सेकेंड थिंग, वीडियोज के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट से आपको सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूसली मिल जाएंगे, तो उसमें भी आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड थिंग कि प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। प्लस इस लेक्चर का मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप उसे वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिफाइन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कि भैया आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं वो अल्टीमेटली क्या होते हैं। तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर जनरेटेड आर्टिफिशियली एंड यूज टू इंक्रीज द स्वीटनेस ऑफ फूड आर्टिकल्स आर नोन एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि आर्टिफिशियली जनरेट किए जाते हैं, कैसे जनरेट कर रहे हैं आपने, आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं और ये क्या करते हैं फूड आइटम्स के आपके टेस्ट को बढ़ाने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जो हैं वो कहते हैं। मतलब देखिए सीधी सी बात है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, आप इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर कर रहे हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स से आप क्या समझते हैं कि जो खाने के टेस्ट को या खाने को और ज़्यादा मीठा बना दो, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हो जाते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्लस क्या करते हैं सेकेंडली उनको अरेंज करने का काम आर्टिफिशियली उन्हें क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं आपके खाने के टेस्ट को जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जो है वो हम लोग प्रोबेबली ये आप सभी लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के वो इतना टफ नहीं है। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के यहाँ पर एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सैक्रिन जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, और ये किस चीज़ को मीठा करने में काम आता है, तो पान आप सभी लोगों ने खाया होगा, तो पान मसाले को मीठा करने के लिए वो जो केमिकल या वो जो उसमें डालते हैं वो क्या होता है, वो सैक्रिन होता है। सुपारियाँ रहते गोल्ड होती हैं, ऐसी बहुत सारी एक एक दो दो वाली मीठी सुपारियाँ आती हैं जो आपने बचपन में खाई होंगी, अभी भी आप लोग खाते होंगे, उनमें सब में सैक्रिन मिला होता है, और ये नॉर्मल शुगर से 550 गुना मतलब 550 टाइम्स ये जो होता है वो नॉर्मल शुगर से क्या होता है ज़्यादा स्वीट होता है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो एस्पार्टम या फिर शुगर कैन के बारे में, तो च्युइंगम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, टी, इन सभी को जो है वो आपका काम करता है मीठा करने का, कौन करता है एस्पार्टम करता है, और ये कितना टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है, तो ये 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल शुगर। एलिटम के बारे में बात करेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स को यहाँ पर जो है वो आपका मीठा करने के लिए काम आता है एलिटम, और ये होता है आपकी नॉर्मल शुगर से 2200 टाइम्स ज़्यादा स्वीट, मतलब देखिए कितना ज़्यादा मीठा होता है ये नॉर्मल शुगर से 2200 गुना ज़्यादा मीठा ये होता है। नेक्स्ट बात करें पॉलियॉल्स के बारे में, तो आइसक्रीम, कैचअप, जैम, और ये होता है आपका नॉर्मल शुगर से 100 टाइम्स स्वीटर। प्रोबेबली देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर ही बहुत ज़्यादा ईजी है, इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाएगा, कुछ भी ईजी चैप्टर है, बहुत आराम से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो भी ये चैप्टर जो है वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो होप सो यहाँ तक आप सभी लोगों को जो है वो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लींजिंग एजेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
एजेंट्स, ये क्वेश्चन अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्लिंजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और कितने तरह के जो है वो क्लिंजिंग एजेंट्स होते हैं। इसके बाद में सोप एंड डिटर्जेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इसी के अंदर जो है वो आएगा। हम लोग देखें तो दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज टू रिमूव ऑयल और गैसेज एंड डर्ट्स आर नोन एज Those chemical substances which are used to remove oil, gases or dirt particles from the clothes and skin is known as cleansing agents. क्योंकि साफ सफाई करने वाले एजेंट्स को हमारे यहाँ जो बात है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो क्या करते हैं ऑयल गैसेज और सारे डर्ट पार्टिकल्स को हमारी स्किन से रिमूव कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है क्लिनसिंग एजेंट्स। मतलब अल्टीमेटली जो सफाई करने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्लिनसिंग एजेंट्स कहते हैं। दो तरह के क्लिनसिंग एजेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लिनसिंग एजेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के क्लिनसिंग एजेंट्स होते हैं। पहला होता है सोप और दूसरा होता है आपका डिटर्जेंट। ठीक है, सोप क्या होता है तो सोप आर द सोडियम पोटेशियम सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड के आपके जो हायर फैटी एसिड होते हैं उन फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट को क्या कहा जाता है सोप कहा जाता है। Okay. और इसका जो है वो काम कैसे बनता है तो कोई भी ऑयल है एल्कली है आपके पास NaOH हो गया ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट्स यहाँ पर फैटी एसिड्स के साथ में जब मिलेगा तो सोप और बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है वो फॉर्मेशन होता है। टर्मिनोलॉजी है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सब सोप ध्यान रखना है कि सोप होता है तो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के। सेकेंड अगर हम लोग बात करें डिटर्जेंट के बारे में तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इथाइल ethylene type containing 10 to 18 carbon atoms. तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब है कि हाइड्रोकार्बन वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और अनसेचुरेटेड मतलब जिसके अंदर और जो है वो आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं फिक्स नहीं है। मतलब आप उसके अंदर अगर टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो और अमाउंट में कोई भी जिसका जैसे कार्बन की बैलेंसी 4 होती है तो उसकी बैलेंसी 4 पूरी कंप्लीट यहाँ पर नहीं होगी। जिसमें 10 से 18 कार्बन एटम्स हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डिटर्जेंट कहते हैं। जब इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक ऑर्गेनिक एसिड जो है वो यहाँ पर बनता है। जो सोडियम सॉल्ट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के वो क्या करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंट जो है वो कहते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर होगा होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मेरा क्या है डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप या सोप एंड डिटर्जेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है आप सभी लोगों को। तो पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले देखें सोप के लिए देखो तो सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। मैंने अभी बताया कि सोप क्या होता है हायर सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड के और डिटर्जेंट क्या होते हैं एल्कलाइन बेंजीन सल्फेट के क्या होते हैं सॉल्ट होते हैं एल्काइल बेंजीन सल्फेट के। दिस कैन नॉट बी यूज हार्ड वाटर। आप सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसके लिए रखा है क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। और डिटर्जेंट को हार्ड वाटर के साथ भी यूज किया जा सकता है। एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है नेचर में। नेक्स्ट बात करें तो दिस कंटेन ऑयल एंड आर नॉट गुड क्लिनसिंग एजेंट्स। की सोप में क्या होता है ऑयल होता है वो इतने अच्छे क्लीनिंग एजेंट्स नहीं होते। आपने देखा होगा मम्मियाँ जब आपके कपड़े गलाते हैं तो वो डिटर्जेंट में गलाते हैं क्योंकि सोप से इतनी अच्छे से जो है वो चीज़ें साफ नहीं हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो दिस डू नॉट कंटेन ऑयल एंड आर बेटर क्लिनसिंग एजेंट्स। कि इनमें ऑयल नहीं होता है ये क्या होते हैं ज़्यादा अच्छे क्लीनिंग एजेंट्स होता है डिटर्जेंट्स। दिस कैन नॉट बी यूज फॉर सॉफ्ट एंड डेलिकेट क्लोथ। सोप को अगर आप सॉफ्ट और डेलिकेट क्लोथ के इसमें यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपके कपड़े जो है वो डैमेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो डिटर्जेंट जो होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे आप डेलिकेट क्लोथ्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा स्प्रिंट है आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर नॉट क्वेश्चन नंबर 6 इट्स क्वेश्चन नंबर 7 कि सोप जो है उसे हार्ड वाटर में के साथ यूज तो नहीं किया जा सकता है। तो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। के हार्ड वाटर में क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। इसी वजह से हार्ड वाटर में सोप क्या करती है मतलब झाग नहीं देती अल्टीमेटली। एक बार मेरे डाउन लिखन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयरफॉर इन हार्ड वाटर सोप्स आर गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स।
of calcium and magnesium soups in hard water, but synthetic detergent do not give precipitate, so they can though they can't check the hardness of वाटर की सोप जो है वो वाटर की हार्डनेस को चेक नहीं कर पाती, कारण कि सोप जो है वो यहाँ पर आपको लैथर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि तो वो उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर लेती है, उसके अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाती है। दिस इज व्हाट द एंटायर चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इज। यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर दो पार्ट्स में मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो यहाँ पर इस चैप्टर के बाद में आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर उस चैप्टर के साथ आप लोग स्टार्ट कीजिए। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ क्लास टेंथ और क्लास इलेवंथ के स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ कीजिए, हम लोगों को आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं, आपने कहा था प्रॉमिस किया था, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ। उस अनाउंसमेंट के बाद उन लोगों के जो डाउट्स हैं, उन लोगों की जो क्वेरीज हैं, पूरी तरह से यहाँ पर रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जो है वहाँ ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।